नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा में आरोपी पाए जाने के बाद अब पंजाब के फरीदकोट में एक और FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने एक्टर और कार्यकर्ता दीप सिद्धू के खिलाफ कोरोना के नियम का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू के खिलाफ IPC की धारा 188 और 269 और महामारी रोग अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि सिद्धू ने जेतू और मट्टा गांव में बिना मास्क पहने एक सभा को संबोधित किया था। सिद्धू को दिल्ली में 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा का मुख्य आरोपी माना गया था। उसे 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और 2 महीने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को जमानत दे दी थी। दीप सिद्धू पर आरोप था कि उसने लोगों को लाल किले में हिंसा भड़काने के लिए उकसाया था। हिंसा के करीब 4 महीने बाद पुलिस ने एक्टर समेत 15 अन्यों के खिलाफ लंबी चार्जशीट दायर की है। बता दें कि 26 जनवरी के दिन किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था। इस ट्रैक्टर रैली को दिल्ली की सीमा से बाहर निकाला जाना था, लेकिन परेड शुरू होने के साथ ही कुछ लोग अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के ITU जैसे इलाकों में घुस आए। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारी लाल किले पहुंचे और वहां निशान साहिब फहरा दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।